સંસદના બંને ગૃહો અનિશ્ચિતકાળ માટે સ્થગિત કરી દેવામાં આવ્યા છે તો આ સત્ર દરમિયાન કોઈ પણ પ્રકારની કાર્યવાહી ન થઈ હોવાનું વિપક્ષો માની રહ્યા છે આ મામલે સમાજવાદી પાર્ટીના વરિષ્ઠ સાંસદ જયા બચ્ચને અમારા દિલ્હીના બ્યુરો ચીફ રાકેશ કુમારસિંહ સાથે વાતચીતમાં સાફ શબ્દોમાં કહ્યું હતું કે આ શિયાળુ સત્ર અનપ્રોડક્ટિવ રહ્યું છે કોઈ એવી કામગીરી સંસદના બંને ગૃહોમાં નથી થઈ શકી તેવું પણ તેમણે કહ્યું હતું આવો બીજું શું કહી રહ્યા છે જયા બચ્ચન એ સાંભળીએ दोनों सदन अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो गया है। इन तमाम मसलों पर बातचीत करने के लिए समाजवादी पार्टी की वरिष्ठ सांसद जया बच्चन जी हमारे साथ हैं। जया जी, किस तरह से देखती हैं ये जो सत्र था? अनप्रोडक्टिव, सही में कुछ काम नहीं हुआ। देखिए, किसी भी सदन में अगर विपक्ष का पार्टिसिपेशन नहीं होगा, विपक्ष के पॉइंट ऑफ व्यू को आप नहीं देखेंगे, तो वो सक्सेस नहीं हो सकता। वो जितनी भी चीजें ये लाए, सब तो पास कर दिया विपक्ष, वहाँ किस विपक्ष ने किसी बिल पे उनका साथ नहीं दिया मगर पास कर दिया। क्या फर्क पड़ता है, दूसरे सरकार वाले आएंगे ये सिर्फ उल्टा कर देंगे। इस तरह से देश के लिए कोई नहीं सोच जया जी, पार्टी पॉलिटिक्स कर रहे हैं, गवर्नेंस नहीं कर रहे हैं, ये बड़े दुख की बात। लेकिन सरकार का कहना है कि जो महत्वपूर्ण बिल थे, आखिरकार विपक्ष को सकारात्मक रुख अख्तियार करना था, बावजूद इसे जो है इसको कौन डिसाइड करेगा? हमारे 12 सांसद एक महीने से बाहर बैठे हैं और वो चाहते हैं कि विपक्ष उनका साथ दे, ऐसे कैसे हो सकता है? वो भी विपक्ष का साथ दे ना। अगर वो सोचते हैं बगैर विपक्ष के सदन चल सकता है तो चलाए, चलाया ही उन्होंने, पूरा सदन चलाया है। मगर ये पूरा भारत देख रहा है, देश के लोग देख रहे हैं, और सबसे ज्यादा जो खराब बात हुई विदेश में लोग देख रहे हैं। अब यहाँ वियतनाम से जो आए थे डेलीगेशन, वो यहाँ बैठ के ये सब फोटो लेके गए। आप सोचिए अपने देश के लिए कितनी बुरी छवि है। बहुत गलत बात, बहुत गलत। इट इज कंसिडर्ड टू बी द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी, वेर इज डेमोक्रेसी? देर इज नो डेमोक्रेसी। बहुत घमंड में इन लोग जो है चला लिए हैं, मगर ये ज्यादा दिन टिकने वाला नहीं है। जवाब इनको मिलेगा। कंट्री इज वॉचिंग, कंट्री विल गिव अ बिफिटिंग आंसर। जया जी, अब जो है उत्तर प्रदेश समेत 5 राज्यों का चुनाव भी है, अब जो है नेता मैदान में उतरेंगे, प्रधानमंत्री लगातार जो है उत्तर प्रदेश सहित जो है अन्य राज्यों का दौरा कर रहे हैं, अब अमित शाह भी अब धुआंधार प्रचार करेंगे। करें अगर जिस तरह से हाउस चला है, अगर उसी तरह से प्रचार करेंगे तो जैसा जवाब बंगाल में मिलेगा, बाकी 5 प्रदेश से भी मिल जाएगा।